Assalamu alaikum, dear students. Uh, this is Irshad from Leeds Law College uh, uh, again with uh, a lecture series uh, of LLB English Part 1. So, our today's topic uh, uh, is uh, upon grammar basics. सो ग्रामर बेसिक्स क्या हैं बुनियादी चीज़ें क्या हैं इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़रूरी है ये और ये न सिर्फ अंग्रेजी ग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को समझने के लिए उसकी जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है हम उस वक्त तक ग्रामर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हम उस जो ख़ास किस्म की लैंग्वेज में ग्रामर के बारे में अच्छे से नहीं लेते तो जी बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर ग्रामर की डेफिनेशन की तरफ सो so, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं ग्रामर्स की डिफरेंट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की भी है कॉलन डिक्शनरी की भी है वेबस्टर्स डिक्शनरी की भी है और उसके अलावा अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी की भी हम ग्रामर की डेफिनेशन देखेंगे तो जी होल सिस्टम ऑफ होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज

तो वो ग्रामर कहलाती है और इसमें फोनोलॉजी और सीमेंटिक्स के एलिमेंट्स भी आए अच्छा यहाँ पे जी सेंटेक्स किसे कहते हैं सेंटेक्स बेसिकली डील्स विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड मोफोलॉजी इज़ एक्चुअली द मेकिंग ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ़ लेट यानी मुखलिफरूफ से मिल के जो लफ्स हम बनाते हैं मुख्तु साउंडस बनाते हैं अच्छा तो वो जो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है उसको मफोलॉजी कहते हैं तो सिंटक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फोनोलॉजी भी एक हमारे पास लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम साउंड सिस्टम को को डिस करते हैं और उसके अलावा सीमेंटिक्स वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम सैंटिफिकली मीनिंग्स को स्टडी करते हैं तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम किसी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर करके एक ख़ास तरतीब के साथ प्रेजेंट करें तो दैट इज़ ग्रामर अब यहाँ पे हम जी कॉलिंग uh, डिक्शनरी uh, की रू में कॉलिन डिक्शनरी की रू से कॉलिन डिक्शनरी uh, के uh, मुनासबत से हम ग्रामर को डिफ़ाइन करेंगे द वेज दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेज एंड रूल्स फॉर डूइंग दिस ऑल इन पर्टिकुलर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड यू कैन से द्रामर लाइक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी कॉलेज की डिक्शन ये बताती कि जी वो तमाम तर तरीक़ेक जो कि किसी सेंटेंस में मुख्त के वर्ड्स को इकट्ठा करके डाल दें और उसके बाद उन तमाम तर वर्ड्स को एक ख़ास तरतीब में जो हमने कन्वर्ट किया है उस तरतीब के लिए हम ग्रामर की कुछ डिफरेंट रूल्स भी फॉलो करें तो ये सब कुछ करने में उस लैंग्वेज में तो दिस इज़ कॉल्ड यू कैन से ग्रामर तो मज़ीद हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेबसाइट डिक्शनरी क्या कहती है द स्टडी ऑफ द क्लासेज ऑफ वर्ड्स देर इन्फ्लैक्शन देर फंक्शन एंड रिलेशन इन देंटेंस मुख्तल अल्फा जितने भी हों हमारे पास आ, कोई भी हमारे पास अलफा का अगर मजमुआ है हमारे पास या फिर अल्फाज हैं उनको उनकी क्लासेस को इस तरह से स्टडी करना कि उनमें इन्फ्लैक्शनज और उनके डिफरेंट फंक्शनज़ और उनके आपस में रिलेशन वर्ड्स के हम स्टडी करें सो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम ग्रामर uh, कहेंगे तो मजीद हमारे पास एक और डेफिनेशन स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स एंड देयर कंपोनेंट पार्ट्स कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसिस एंड हाउ द रूल्स ऑफ सेंटेक्स गवर्न देयर ग्रामेटिकल यूज मतलब हम मुख्त अल्फाज को आपस में इस तरह से कंबाइन करें इस तरह से जोड़ें कि जी उनकी जो सेंटेंस uh, स्ट्रक्चर वो एक ख़ास किस्म की ग्रामेटिकल यूज को फॉलो करे तो फिर ये चीज़ ग्रामर कहलाएगी तो इट वॉज अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरीज डेफिनेशन सो जी आगे बढ़ते हैं जनरली ग्रामर क्या होता है ग्रामर जनरली हम देखते हैं मजीद आसान बनाने के लिए आसान अल्फाज में हम इस तरह से भी ग्रामर को डिफ़ाइन कर सकते हैं ग्रामर रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म मीनिंगफुल मीनिंगफुलटेंस मीनज हम अगर मुख्त प्रंसिपल और रूल्स को यूज़ करके एक लैंग्वेज के अंदर इस तरह से अल्फाज को स्ट्रक्चर करें अल्फाज को बनाएं आपस में यानी जोड़ दें कि जी उनसे एक खास किस्म का मीनिंग जाहिर हो यानी सेंटेंसेस कोई ना कोई हमें मीनिंग दें अल्फाज के उस ग्रुप से तो वो ग्रामर कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज और पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन प्रपोजिशन कंजेंशन एंड इंटरजेक्शन ये जी हम जब ऑफ स्पीच की भी बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच कमो बेश डिफरेंट किस्म के uh, जब आपस में मिलते हैं तो फिर uh, वो भी एक सेंटेंस बनाते, बनाते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं ग्रामर के कुछ रूल्स रेगुलेशन को यूज़ करते हुए तो खुलासा हम ये कहेंगे जी ग्रामर बेसिकली क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रामर के मुख्त के रूल्स और रेगुलेशन जो लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उन लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन को यूज़ करके हम अगर मुख्त अल्फाज को आपस में इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें कि जी उसकी कोई ना कोई समझ आए तो फिर वो हमारे पास ग्रामर कहलाएगी तो जी आगे हम देखते हैं हमारे पास ग्रामर में ग्रामर के अलावा ग्रामर के बेसिक्स में हम देखते हैं कि जी सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिसको हम सेंटेक्टिक अरेंजमेंट भी कहते हैं लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज में तो जी सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ वन और मोर क्लॉजेस विच कंटेन अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट द सब्जेक्ट इज यूजली अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द सेंटेंस वाइल प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड एनी अदर वर्ड वर्ड्स दैट मॉडिफाइड एग्जाम्पल द बॉय एट सैंडविच यहाँ पर हम देखेंगे जी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जी मुख्त सेंटेंसेस कई एक या दो या कई डिफरेंट क्लॉज से आपस में मिलके बनते हैं जिनमें क्लॉजिज की डेफिनेशन क्या है कि जी अल्फाज के कैसा ग्रुप जिसमें हम मुख्तलिफाज को आपस में मिला दें जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी हो तो वो क्लॉज होता है यानी मुख्तफ़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी हो तो वो एक सेंटेंस बनेगा और एक इन डिफरेंट क्लॉज से मिल भी एक सेंटेंस बन जाता है तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे पास एक सेंटेंस खास सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनता है तो यहाँ पे अगर हमने नीचे एग्जांपल देखी है तो एग्जांपल में देखें द बॉय यहाँ पे लड़का जो है वो सब्जेक्ट है और एट वर्ब है जो कि जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं सो अ सैंडविच इज एन ऑब्जेक्ट तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी हम प्रेडिकेट में शामिल करते हैं या जहां पर समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इन ट्रांसलेटिव वर्ब जिसको कहते हैं जिनको कहते हैं तो फिर इन वर्ब में हम ऑब्जेक्ट नहीं भी डालते तो वहां पर वर्ब अकेला प्रेडिकेट कहलाएगा तो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब का मतलब सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट वर्ब जिस यानी अल्फाज के ग्रुप में शामिल हो तो वो क्लॉज कहलाता है तो फिर वो क्लॉज जो बनेगा या जो सेंटेंस बनेगा वो उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है और ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसकी पूरी समझ आए तो मजीद हमारे पास ग्रामर बेसिक्स में टेंसेस बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं अगर टेंस की हमें अच्छे से समझ ना आए तो फिर हम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जी हम लिख सकें हम अच्छा प्रोड्यूस कर सकें किसी भी लैंग्वेज में तो वर्ब दैट इंडिकेट्स यू कैन से टाइम ऑफ एन एक्शन और इवन और इवेंट थ्रू द यूज़ ऑफ टेंसेस मतलब एक ऐसा वर्ब जो कि टाइम और एक्शन के थ्रू किसी भी तरह के टेंस के इस्तेमाल को हमें सिखाए तो फिर उसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे कि जी दी अरेंजमेंट ऑफ द टेंसेस तो टेंसेस हमारी ज़िंदगी में हमारी लैंग्वेज में हमारी मुख्तु तरह की कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़रूरी हैं तो द थ्री मेन टेंसेज आर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेन हमारे पास जो बेसिक टेंसेज हैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है आगे चल के इनकी चार ब्रांचेज हमारे पास होती हैं इनडेफिनेट टेंस कंटीन्यूस एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस तो ब्रांचेज के साथ हमारी जो बेसिक टेंसेज मिल के टोटल ट्वेल्व ट्वेल्व टेंसेज बनाते हैं तो जो कि हमें हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं जी हमारे पास ग्रामर के बेसिक्स में Uh, हमने देखा कि जी ग्रामर के बेसिक्स में ग्रामर के डिफरेंट रूल्स आते हैं उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है टेंसेस बहुत जरूरी हैं ग्रामर के बेसिक्स में और वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है अब ये अग्रमेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि जी अगर हमारे पास एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए अगर अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लोरल है तो वर्ब भी प्लोरल होना चाहिए यहाँ पर अगर हम नीचे देखें द डॉग बाक्स तो डॉग हमारे पास सिंगुलर वर्ब है तो बाक्स इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ब अगर हम देखेंगे वाइल्ड डॉग्स बाक अब आगे हमारे पास डॉग काफी सारे हैं तो बाढ़ के साथ हमने एस यूज नहीं किया यानी प्रेजेंट एंड टेंस में हम देखते हैं कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लोरल वर्ब तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते या अपने सेंटेंसेस राइटिंग uh, में सेंटेंसेस मेकिंग में प्रॉपरली इसका यूज़ नहीं करते तो हमारा सेंटेंस आउट ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है मीन वो एम्बिगस हो जाता है उसकी कोई समझ नहीं आती तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, है वगरना हमारी किसी भी तरह की राइटिंग आया आया कि हम वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं या हम कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर हम किसी भी तरह का पीस ऑफ राइटिंग ले रहे हैं तो फिर उस किसी भी पीस ऑफ राइटिंग जो कि हम जॉट डाउन कर रहे हैं उसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ना होना उस सेंटेंस को एम्बिगस बना देगा जिसकी कोई समझ नहीं आएगी तो जी फाइनली uh, हम देख रहे हैं कि हमारे पास पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रामर बेसिक्स में आती है पंक्चुएशन आर बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएशन इज बेसिकली यू कैन से इज द यूज़ ऑफ डिफरेंट सिंपल्स दैट इज़ यूज इन एनी लैंग्वेज इन ऑर्डर टू मेक द लैंग्वेज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल बाई यूजिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रामर सो पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कॉमर्स पीरियड्स क्वेश्चन मार्क्स हेल्प अस टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सन्टेंस मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें uh, कि जी माई फेवरेट फूड आर पिज़्ज़ा बर्गर एंड फ्राइज़ यहाँ पे देखें हमारे पास सेंटेंस हमने एक बनाया है इस सेंटेंस में हमने देखा कि जी हमने पिज़्ज़ा के बाद बर्गर के बाद और फ्राइज़ के बाद डिफरेंट uh, जगहों पे कॉमास और फुल uh, स्टॉप का यूज़ किया है तो देखें अगर हम लैंग्वेज में डिफरेंट पॉजेज लेते हैं तो उसमें कॉमा आएगा शॉर्ट पॉज के लिए कॉमा यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास लॉन्ग पॉज हो या फिर एक सेंटेंस uh, में डिफरेंट क्लॉज यूज़ हुए हैं लेकिन उनमें uh, जो थाट है वो सेम है तो वहाँ पर हम सेमी कॉलोन यूज़ करेंगे यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमने दो जगह पे कॉमा और एक जगह पे, जगह पर फुल स्टॉप यूज़ किया तो यहाँ पर जो पहली जगह पर हमने और दूसरी जगह पे कॉमा यूज़ किया तो फिर ये दो वर्ड्स uh, के बीच में हमने यू कैन से दैट इनको डिफ्रेंशिएट uh, करने के लिए इनको अलग करने के लिए हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है जबकि लास्ट वर्ड के बाद हमने फुल स्टॉप डाल दिया मतलब हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया इसका मतलब ये कि ये जो डिफरेंट सिंबल्स हैं ये सिंबल्स जो कि हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारे लैंग्वेज को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं इस इन तरह इस तमाम तर जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम इन तमाम तर कैन से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं तो इन सिंबल्स का लैंग्वेज में यूज़ हमें यानी बताता है कि ये पंक्चुएशन का इस्तेमाल हो रहा है तो पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ग्रामर यू कैन कम्युनिकेट मोर अफेक्टिवली इन एनी लैंगवेज विद दिस रिसोर्स एज रेफरेंसेज यू कैन कंटिन्यू टू लर्न एंड द मास्टर दम न्यूंस ऑफ ग्रामर यानी हमारे लिए कंक्लूजन uh, में अगर हम देखें तो ग्रामर बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है ग्रामर इज़ अ क्रूशल फॉर क्लियर एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन इट एंश्योर्स